गुड इवनिंग क्लास नाइन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको वैलेंसीज बताई और कुछ केमिकल फार्मूला मैंने आपको बनाकर बताए। कुछ केमिकल फार्मूले की प्रैक्टिस और करते हैं, है ना। आई होप आपने वो सारी वैलेंसीज लर्न कर ली होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको 10th, 11th, 12th में अपने आप पता लगेगा। वो बिल्कुल लर्न करनी है वैलेंसी सारी की सारी। एक महीना, दो महीना, तीन महीना जितना टाइम लगता है आपको टाइम लीजिए, बट लर्न करिए उसे, है ना। तो आज हम बात करते हैं बेटा कुछ और फॉर्मूला की। जैसे हम बात करते हैं पहले मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है देखना चार्ट में आप, Mg+2 एंड क्लोराइड माइनस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कुछ नहीं है, तो Mg सिंपल रहेगा और Cl के नीचे 2, तो क्या बन जाएगा MgCl2। कैल्शियम ऑक्साइड Ca+2 होता है, O का -2 सेम है, कट जाएगा दोनों, क्या फॉर्मूला बन जाएगा CaO। कॉपर सेकंड नाइट्रेट, मतलब कॉपर की वैलेंसी +2 है और नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है माइनस, कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो CO के नीचे तो कुछ लिखना नहीं है हमें, और NO3 यहाँ आ जाएगा 2, ये लगा दीजिए ब्रैकेट, तो क्या बन गया CuNO3 होल ट्वाइस। यहाँ देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al की वैलेंसी क्या होती है +3, OH की माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो Al के नीचे कुछ नहीं लगाना है, OH के नीचे क्या लगा देना है 3, ये लगा दीजिए ब्रैकेट, मोर देन वन एटम है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा AlOH होल ट्वाइस। कैल्शियम कार्बोनेट Ca की +2, कार्बोनेट क्या होता है CO3-2, कट हो जाएगा, क्या बन जाएगा CaCO3। सिल्वर सल्फेट Ag की वैलेंसी होती है +1 और सल्फेट की होती है SO4-2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Ag के नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ बना दो ये Ag2 और SO4 के नीचे कुछ नहीं लगेगा, क्या फॉर्मूला बन गया Ag2SO4। तो ओनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ ज़्यादा बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है, असली खेल है वैलेंसीज का। वैलेंसी लर्न करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए एंड यू विल गेट योर फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर वैलेंसी हमसे लर्न नहीं होती हैं, थोड़ा थोड़ा करिए, रोज 3 या 4 वैलेंसी लर्न करिए। टारगेट बनाइए, अभी ऑटम ब्रेक सॉरी आपके दिवाली ब्रेक आने वाला है तो वहाँ टारगेट बनाइए, रोज 3 एंड 4 वैलेंसी और आयंस को लर्न करिए। 3 या 4 डेली करोगे 7-8 डेज में सारी लर्न हो जाएंगी आपको, है ना। तो ये था आपका फॉर्मूला फॉर्मेशन। देखिए बेटा आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास नाम सुनो, मॉलिक्यूल मास, किसका मास, मॉलिक्यूल का मास। मॉलिक्यूलर जो वर्ड है ना किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स मास से बना हुआ है, मॉलिक्यूलर मास। शॉर्ट में हम कई बार बोलते हैं मोलर मास, MOLAR, मोलर मास। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, अगर किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उन सारे एटम्स के एटमिक मास को हम ऐड कर दें, सम कर दें, तो जो ओवरऑल मास मिलेगा आपको उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। सिंपल मतलब अगर आपको किसी मॉलिक्यूल का ओवरऑल मास कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स के एटमिक मास का सम कर दीजिए, डेट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। तो डेफिनेशन भी वही है, देखिए क्या बोलता है, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलर मास। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा होता है भाई, सर वो तो इतना स्मॉल है, वी कैन नॉट सी मॉलिक्यूल विद द नेकेड आइज, तो उसका मास हम कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए तो कोई बीम बैलेंस या स्प्रिंग बैलेंस उस तो होना चाहिए। तो मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी स्मॉल, उसके मास को कैलकुलेट करने के लिए सिमिलरली जैसे हमने एटम का मास कैलकुलेट करा था AMU में, सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास की यूनिट भी AMU होती है, एटॉमिक मास यूनिट। पढ़ा हुआ है आपने AMU क्या होता है, 1/12 मास ऑफ C12 एटम। तो पहली चीज मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन एग्जाम में आएगा आपके, 100% आएगा एक कॉन्सेप्ट। तो डेफिनेशन में क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी एटम्स हैं
उन सारे एटम्स के एटॉमिक मास का सम। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास? यूनिट इज AMU। कुछ बुक में ये डेफिनेशन ऐसे भी लिखी हुई है, हाउ मच टाइम्स एंड मॉलिक्यूल इज हैवियर देन 1/12th मास ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। फिर सुन लो, हाउ मच टाइम्स एंड मॉलिक्यूल अ मॉलिक्यूल इज हैवियर देन 1/12th मास ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। कुछ रिफ्रेशर में डेफिनेशन ये मेंशन है, लेकिन NCERT में ये डेफिनेशन मेंशन है। ये बहुत सिंपल है, इसी को फॉलो करिए आप, है ना। एग्जाम्पल, जैसे आपको बोलता है CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका, इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए, तो आपको वो एटॉमिक मास लिख कर देगा। आपको लर्न नहीं करना एटॉमिक मास, आपको मिलेगा लिखा हुआ। जैसे CA का एटॉमिक मास होता है 14 AMU, कार्बन का होता है 12 AMU, ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। तो कैलकुलेट करना है तो कैल्शियम का कितना होगा 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 3 into 16, ओवरऑल करोगे क्या हो जाएगा 100 AMU। मतलब ये CaCO3 का जो मॉलिकुलर मास है वो क्या है 100 AMU। अब कोई पूछ रहे डिटेल में आपसे कॉम्पिटिटिव में, इस 100 AMU का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलोगे, दिस वन इज 100 times हैवियर देन 1/12 मास ऑफ C12। वैसा ही है, मतलब CaCO3 1/12 मास ऑफ C12 एटम से 100 times हैवियर है। बिल्कुल वो का वही है जो आप पहले पढ़ चुके, निकाल चुके हो, है ना। ये आपके लिए होमवर्क है जो मैंने पढ़ाया, उसके बेस पर आपको इन केमिकल्स के फॉर्मूले बना के मुझे बताने हैं। देखते हैं कितने बच्चे अप्लाई करते हैं। कैल्शियम सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सेकेंड नाइट्रेट, पोटेशियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड, इन सब के फॉर्मूले आप मुझे बना के बताओगे। एंड आपको ये जो केमिकल मेंशन है इन सब का कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास। फर्स्ट वन है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। सेकेंड CO2, थर्ड H2O, फोर्थ वन इज H2SO4, फिफ्थ वन HNO3, और इन सब के एटॉमिक मास मैंने कॉर्नर में मेंशन करे हुए हैं। तो ये होमवर्क है, आप मुझे करके दिखाओगे। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपकी बड़ी क्लासेस में काम आएगा, मतलब जब भी हम केमिकल की कैलकुलेशंस करते हैं केमिस्ट्री में क्लास 11, 12 IIT JEE वगैरह में, तो AMU में कैलकुलेशंस नहीं करते। हम जनरली कैलकुलेशन करते हैं केमिकल्स की प्रैक्टिकली ग्राम में। मतलब अगर आपको किसी कोई केमिकल बनाना है लैब में, आपको बोला 50 ml H2SO4 का सॉल्यूशन बनाइए, सही, तो आपको बोलेगा वो 20 ml H2SO4 मिलाइए वाटर में, या बोलेगा 20 ग्राम H2SO4 ऐड करिए इतने ग्राम वाटर में। तो जब भी हम केमिकल्स के सॉल्यूशंस बनाते हैं या लैब में केमिकल्स को प्रैक्टिकली फॉर्म करते हैं, तो केमिकल्स का मास हम जनरली ग्राम में कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल क्या है, अगर हम किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसको हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इज नथिंग मोर देन दिस। क्या लिखा हुआ डेफिनेशन, इफ वी रिप्रेजेंट मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इन ग्राम्स देन वी कॉल दिस इज अ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे अगेन वही एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने लिया था CaCO3, मैंने लिख दिया 40 ग्राम, 12 ग्राम, 3 into 16 ग्राम, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 100 ग्राम, सही है। तो अगर कि हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में प्रेजेंट करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। गॉट इट। एक होता है फॉर्मूला यूनिट मास। अगर आपका मॉलिक्यूल कैटायन और एनायन से मिलके बना हो, क्लियर, ऐसे केमिकल जो कैटायन और एनायन से मिलके बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं आयोनिक
सब्सटेंस, सही है। तो ये पूछ ले बाई चांस कि मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मल यूनिट मास में क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर मास का जो मॉलिक्यूल है वो कैटायन और एनायन से मिलके नहीं बनता है, जबकि फॉर्मल यूनिट मास का मॉलिक्यूल किससे बनता है, कैटायन और एनायन के से कॉम्बिनेशन से बनता है। तो देखो, मास ऑफ कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और आयनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट मास। सब कुछ वैसा का वैसा ही है। यूनिट क्या है, यूनिट भी इसकी ए एम यू है। जैसे एक एग्जाम्पल दे, मेरे लिए एग्जाम्पल एन ए सी है, माइनस प्लस है, तो एन ए का जो मोलर मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास, वो होता है 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है आपका 35.5। अगर एम यू में लोगे तो एम यू में ले लीजिए, क्या हो जाएगा 23 प्लस 35.5 58.5 AMU। सब कुछ सेम है, जैसे आपने मॉलिकुलर मास को निकाला था वैसा का वैसा ही है, बट डेफिनेशन अलग है। मॉलिकुलर मास मॉलिक्यूल्स के लिए आता है, ऐसे मॉलिक्यूल विच आर नॉट मेड अप ऑफ कैटायन एंड एनायन। फॉर्मूला मास ऐसे मॉलिक्यूल के लिए आता है विच आर मेड अप ऑफ कैटायन एंड एनायन, और ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं आयोनिक सब्सटेंस, सही है। तो ये था आज का आपका लेक्चर, एंड नेक्स्ट टर्म स्टार्ट करेंगे मूल कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर का सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज़्यादा हेड पेन करने वाला टॉपिक, तो मूल करेंगे स्टार्ट, एंड मूल विल टेक 3 or 4 days। आराम से पढ़ेंगे, उसका लास्ट चैप्टर ही करना है हमें ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।